नमस्कार। पूर्ण संत के सत्संग से मानव को धर्म शास्त्रों का सत्य ज्ञान होता है और मानव समाज को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराने के उद्देश्य से भारत व नेपाल में संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थों द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं निकिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी आपने जो वाणी पढ़ी वो महान संत कबीर जी की है। दर्शकों, आज हम गुजरात के गांधीनगर जिले में पहुँच गए जहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा सत्संग का आयोजन किया है। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। दर्शकों, अभी हम सत्संग हॉल की आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें यहाँ एक पोस्टर नजर आ रहा है जो कि यहाँ गुजराती में लिखा हुआ है, जिसके सबसे ऊपर लिखा है कि अवश्य जानिए, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये उनका स्लोगन है। और नीचे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न यहाँ लिखे हुए है और जो काफ़ी सारे प्रश्न लिखे हैं और नीचे लिखा है कि ये जो सारे प्रश्न है उनके सारे जवाब इन्होंने तीन पुस्तक यहाँ दिखाई है कि ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो इन तीनों पुस्तकों में इन सारे प्रश्नों के जवाब है। तो इन्होंने ये बताया है कि ये जो प्रश्न है कि जो आध्यात्मिक प्रश्न है तो वो इन तीनों पुस्तकों को पढ़ने से आपको इनके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। दर्शकों, हम अभी सत्संग हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ हम के संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हमें मिले हैं, तो हम उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहेब। कहाँ से आए हो आप? गांधीनगर गुजरात से आए हो। सर जी, हम आए दिन देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कई सत्संग चल रहे हैं, कई पुस्तक सेवाएं चल रही है, कई कई प्लेटफॉर्म पर उनके सोशल मीडिया में भी उनका प्रचार चल रहा है। तो मतलब ये सब करने के पीछे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, उनके जो ये सेवाएं चल रही है उनके पीछे उनका मेन उद्देश्य क्या है? सत साहेब, हम अभी हर एक जगह देख रहे हैं कि भारत के अंदर और सभी जगह लड़कियों का बलात्कार हो रहा है और लड़कियों को सताया जा रहा है और जन्म होने से पहले उसको मार दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यह है कि समाज को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है, दहेज प्रथा दूर करना है, पची नशा हर एक प्रकार का हुआ सब दूर करना है और सभी प्रकार की जो बुराइयों समाज में प्रवर्तित है उसको दूर करना है। और ये संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। और हर महीने में एक बार हम सभी जगह अलग अलग जगह पर सत्संग रखते हैं और संत रामपाल जी का उद्देश्य है कि सबको विश्व को शांति देना, तो ये हम जगह जगह प्रचार कर रहे हैं उसका। जी धन्यवाद सर। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम कंचन दास जी। जी आप कहाँ से आए हो? गांधीनगर गुजरात से जी। बहन जी, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी है उनसे बातचीत की, उन्होंने उनके बहुत सारे उद्देश्य बताए। उनमें से एक उद्देश्य था कि संत रामपाल जी महाराज जी है जो दहेज प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का मिशन ही है दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करना। क्योंकि आजकल हम समाज में देख ही रहे हैं कि आए दिन हर एक दूसरे घर में बेटियों को दहेज की वजह से उनको जलाया जाता, मारा जाता है, जहाँ उनको टॉर्चर किया जाता है। बट हमारे रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार रमैनियाँ होती और बेटियाँ सुखी रहती। मेरी भी रमैनी हुई है और मेरे भगत जी ना नशा करते हैं, ना उन्होंने एक रुपया का दहेज लिया, ना हमारे घर वालों ने दिया, ना उनके घर वालों ने लिया। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? किंजल दास। आप कहाँ से आए हो? मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। सर जी, हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर जो है उस पर आए दिन संत रामपाल जी महाराज के कई टैग ट्रेंड होते हैं। तो अभी एक दो दिन पहले ही हमने देखा कि उनका एक टैग ट्रेंड हो रहा था आदि पुरुष कबीर, जो ऑल इंडिया में नंबर वन पर रहा था। तो आदि पुरुष कबीर इससे मतलब आप क्या मतलब है, क्या आप उसका अर्थ समझाएंगे हमें? देखो, हमारे गुरु जी बता दें कि आदि पुरुष मतलब एक ऐसा परमात्मा है जिसका कभी जन्म मरण नहीं होता है, वो सबके सृष्टि के रचना। हम एक किस बेस पे बोल सकते हैं कि इसमें मतलब जितने भी हमारे वेद है, पुराण है, चाहे बाइबल है, कुरान है, सब में प्रमाण दिया गया है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है जो अविनाश है, जो सब सर्व सृष्टि का रचनहार है, ये सर्व सुखदायी परमात्मा है, इसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
क्योंकि ये चीज मतलब सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सारे बताते हैं। सर जी आपको ये ज्ञान मतलब किसने बताया आपको? ये ज्ञान हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे वेद और पुराण पढ़ पढ़ के बताया सबको जी। धन्यवाद सर साहब जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अस्य न्यूज चैनल। आज हमारी टीम पहुंची है श्री गंगानगर जिले के तहसील सूरतगढ़ में। तो सूरतगढ़ की अगर बात करें तो एक तरफ से रेगिस्तान क्षेत्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो उस शहर के अंदर सुनने में आया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और साथ में देहत मुख्य शादी है। तो अभी हम वहाँ खड़े हैं, पीजी कॉलेज के सामने सन सिटी मैरिज प्लेस में सत्संग होने जा रहा है। तो आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं और उनके जो श्रद्धालु है उनसे विचार जान। नमस्कार सर जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार है, बीकानेर से हूँ मैं। सर आप बीकानेर से यहाँ पे चल के आए हो जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो क्या? ना सर, मैंने जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, बस मैं उनके वो आध्यात्मिक ज्ञान के उनसे प्रेरित हूँ, उससे होकर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैंने सोचा आज जाऊँगा, वो देश मुख शादी होगी, उनको देखूँगा वगैरह, वापस आके घर पर बताऊँगा। सर आपने यहाँ पे तो देख के आपको कैसा लगा? सर वो बताओ ना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता वो चीज़ें, कि जैसे आप यानी देख रहे हो कि आज के टाइम में जो वैज्ञानिक युग चल रहा है उसमें रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़ के अपने जैसे इस यानी वैज्ञानिक युग में जुड़े कैसे, यानी रूढ़िवादी विचार तो छोड़नी पड़ेगी, छोड़ेंगे कैसे? जैसे आज के टाइम में यानी बाल विवाह हो गए, शादी के जो अनेक अनेक खर्चे बढ़ रहे हैं वो अपने देख रहे हैं, तो उन खर्चों को मैनेज करने के लिए ये एक अच्छा रास्ता है। जैसे आज अपन देखेंगे यहाँ पे शादियाँ होगी, उसमें एक तो जैसे कोई गरीब परिवार का यानी पालन पोषण करने वाला परिवार होता है तो वो अपने परिवार को मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे देखा देखी में होड़ा होड़ की ज़िंदगी चल रही है, उसमें लोग यानी शादी में अपना देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चे वगैरह ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो इसमें जैसे आज ये अपने बना रखा है अपने हमने इसके अंदर, तो उसमें प्रत्येक परिवार को राहत मिलेगी, छुआछूत होगी, जाति धर्म भेदभाव होगा, परे हटके सारों से अच्छा रास्ता है। सर आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारे श्रद्धालुओं को? यही है कि सर एक तो आज अपने जैसे आधुनिक भारत में रह रहे हैं, रूढ़िवादी भारत में नहीं रह रहे हैं, तो आधुनिक भारत के अंदर जाति प्रथा होगी, भेदभाव हो गए, ऊंच नीच वगैरह ये चीज़ें सारी छोड़ के अपने को एक अच्छा मार्ग प्रदान कर, जैसे एक रिस्पेक्टिव चीज़ होती है एक अच्छा मार्ग, प्रत्येक बंदे की इज्जत होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। देखा है युवा पीढ़ी जो शिक्षा से जुड़ी होती है वो धार्मिक मामले से बहुत दूर रहते हैं कि किसने देखा भगवान को, तो सर उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? सर देखो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस संसार में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो सभी को बांध के रखती है, ये चीज़ अपन को माननी पड़ेगी। हर धर्म में एक कोई ना कोई ये कहता है ये चीज़ होती है धर्म, लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी मॉडर्न यानी पाश्चात्य संस्कृति की और ज़्यादा झुकाव होने के कारण लोग इन चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ना ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई शक्ति है जो सारों को बांध के रख रही है। ऐसी शक्ति कौन है सर? शक्ति परमेश्वर कबीर है, तो आपको मानना पड़ेगा, अभी नहीं मानोगे थोड़े दिन टाइम रुक के मानना पड़ेगा। कबीर साहब तो एक संत थे, आप उसको भगवान कैसे मानते हो? देखो कि मेरी बात सुनो, आप उनके जीवन शैली पढ़ोगे और अदर यानी धर्म रिलीजन वगैरह हैं उनमें आप वो चीज़ें पढ़ोगे, उसमें आप उनका साफ अंतर देखोगे। एक तो आप चीज़ एक शब्द आपने सुना होगा ढोंग शब्द, रूढ़िवादी शब्द, ये रूढ़िवादी ढोंग शब्द इसकी परिभाषा देखो इधर, ये अपने जैसे कबीर जी की इनकी पूरी जीवनी देखो तो आपको इसमें साफ अंतर पता चल जाएगा। सर यहाँ पे आप दहेज मुख्य शादी होगी तो युवा पीढ़ी जो मतलब दहेज के बारे में बहुत दहेज लेते हैं, और तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मेरी बात सुनो, आज के टाइम में देखो जो बंदा हर बंदे को अपने यही सोच रखनी चाहिए कि मैं खुद के पैरों पर खड़ा हूँ, मैं अपने परिवार को सक्षम बना सकूँ, मैं अपने खर्चे खुद मैनेज कर सकूँ, मुझे किसी के यानी किसी के आगे झुकना नहीं पड़े, मुझे किसी से डिमांड करके कोई चीज़ लेनी नहीं पड़े। अपन शादी कर रहे हैं, किसी की बेटी को अपने घर पर लेके आ रहे हैं, अपने भी घर पर बेटी, अपने भी किसी के घर पर ब्याएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं अपनी डिमांड नहीं करेंगे, ये तो फिर रिश्ता वो बात रही नहीं, इसमें डिमांड वाली बात होगी तो फिर सौदा हो गया, मतलब ही नहीं रहा। और आज के टाइम में जैसे अपन देख रहे हैं तो जैसे लगभग देख रहे हैं पढ़ाई में थोड़ा सा सुधार आने के कारण कुछ, जैसे आजकल न्यूज़ में अपन देख रहे हैं कि लोग यानी एक रुपए में साथ यानी एक रुपए दहेज के नारियों के साथ एक रुपए लेते हैं, वो उनकी एक अच्छी पहल है। और इससे भी अच्छी पहल ये मानता हूँ कि जैसे अपने यहाँ पे वो शादियों का वो दहेज मुक्त वगैरह और प्लस जैसे ये खाने पीने में आजकल वो बहुत यानी उतार यानी देख रहे हैं कि ओढ़ा ओढ़ हो रही है,
ऊंची तो सारे हटके ऐसा होना चाहिए ताकि हर परिवार, हर सक्षम, यानी चाहे सक्षम परिवार हो चाहे गरीब परिवार, सारे मैनेज कर सके इनको। ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हुए हैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले के पिटरवार क्षेत्र में, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक सत्संग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हम उन श्रद्धालुओं से उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि वो सत्संग में क्यों आते हैं, सत्संग से उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है, और इन प्रकार के सत्संग से समाज में क्या बदलाव आया। हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु हैं, तो उनसे हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगेंद्र दास हुआ। क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का काम करते हैं सर। अच्छा, आप एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो आज यहाँ पे आप सत्संग में आए हुए हैं, तो इस सत्संग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कुछ? इस सत्संग में हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और ये सद्भक्ति देते हैं, और ये सद्भक्ति परमात्मा जो बताते हैं, अनुयायी उनके जो मर्यादा करते हैं, उनके अनेकों कष्ट या शारीरिक हो या आर्थिक जो है वो सारे दूर होते हैं परमात्मा की दया से, और ये एक मोक्ष मार्ग बताते हैं, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। तो ये हमारे हर महीना सत्संग का आयोजन होता है और हम लोग सत्संग में आते हैं। सर, बहुत सारे साधु संत हैं, जैसे कि अभी बागेश्वर धाम चर्चा में आए हैं, इस तरह के बहुत सारे संत हैं, लेकिन आप एक ऐसे संत की बात कर रहे हैं जो आज खुद जेल में है, और उनका सत्संग यहाँ पर इतनी दूर पर होना, सर क्या लगता है आप? सर जी, एक चीज़ बता दें आपको कि संत तो बहुत हैं, लेकिन वो क्या है ना कि शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान कोई नहीं देते हैं। जितने भी संत महंत हैं, मैंने और भी पंथ में जाके देखा, क्योंकि मैंने पहले हमारे घर से निरंकारी से बिलोंग करते थे, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बताया जाता है वो शास्त्रों को साइड कर दिया जाता है। बहुत से जो है मार्ग में शास्त्रों को तो लोग मतलब ये कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। तो हमारा कहना है कि परमात्मा के अगर हमें प्राप्ति चाहिए तो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान हमें जो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, एक बार आएँ और लोग इसको जानें कि संत रामपाल जी महाराज के इस मार्ग में शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है और यहाँ सद्भक्ति बताया जाता है। कारजी सत्साहब, क्या नाम है जी आपका? प्रहलाद दास। क्या काम करते हैं? जी मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। कहाँ पे ड्यूटी है? जी मैं मेरठ में। सर, आप एक सैनिक हैं, देश की सेवा करने वाले हैं, और अभी आप सत्संग में आए हुए हैं, तो सर एक देश सच्चे सेवक और यहाँ पे सत्संग में आना, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को सत्संग के बारे में जो अभी सत्संग में नहीं आते, जो दूसरे विचारधाराओं पर जुड़े रहते हैं, जो आधुनिक विचारधारा पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं यही कहना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो सत्संग में नहीं आते हैं और जो मतलब सत्य ज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जो आज इस टाइम पे जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, ये पूरे विश्व में अभी किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, और ये पूर्ण मोक्ष मार्ग है, और इससे लाभ भी होता है। पूर्ण मोक्ष मार्ग तो है ही, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे लाभ भी होते हैं, जो कोई भी दुख कष्ट होता है ये सारे भी हमारे दुख मतलब दुख दूर हो जाते हैं, और वेदों पुराणों शास्त्रों कुरान हो गया, गीता बाइबल, इनके अनुसार पूरी तरह से मिलाया हुआ हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी, बिल्कुल उनसे दिखा के मतलब प्रमाण दिखा के उनसे मिला के बताते हैं कि भाई ये देखो ये है ज्ञान, सही ज्ञान ये है। अब उनका ने देखा मेरा पति रुख कैसे गई, उन पैर में क्या हो गया इनको, उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप दूसरों पर मिट्टी डाल रहा है, माँ की समझ गई इस बात ने। वो कहने लगे कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो, आप दोनों छोड़कर आगे चलेंगे हम। तो परमात्मा बोले नामदेव देख लिया था ना नीति में की करो भाई। कार दर्शकों, आज मौजूद है छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर बूंदी में। आज यहाँ पर सगुन मैरिज गार्डन में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनने के लिए श्रद्धालु जन लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर मेन गेट के बाहर ही संत रामपाल जी की महाराज जी की पुस्तकों की कैनोपी लगाई गई है, जहाँ पर उनकी पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर खड़े सेवादारों से हम जानते हैं। सर, यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान गंगा और कबीर परमेश्वर पुस्तक रखी हुई है, इनके बारे में बताइए सर। सर, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा,
ये अपने मानव कल्याण के लिए बहुत ही अनमोल पुस्तक है। घर में सुख शांति क्लेश दूर होते हैं। इसमें चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, बाइबल, कुरान, गीता, सभी का गूढ़ रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान ओनली 20 रुपये की देरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की चप्पल जूते यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ खड़े श्रद्धालुओं से हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यहाँ पर ये जो जूता घर बनाया गया है, इसमें आपकी क्या सेवा है? इसमें जूतों की मतलब सेटिंग के लिए सेवा लगाई गई है, बगैर जिसो इसी तरह से मतलब सब भक्तों को असुविधा न हो उसके लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं मेन पंडाल के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पर भक्तों के लिए बैठने की बिल्कुल अलग से व्यवस्था की गई है। उसके साथ यहां पर माताओं बहनों के लिए बैठने की भी अलग व्यवस्था की गई है। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। दर्शकों, इस वाणी के माध्यम से कबीर साहब जी बताना चाहते हैं कि सत्संग में आए हुए प्राणियों को कितना लाभ होता है। हम हजारों वर्ष तक तप करते हैं, उसका भी इतना फल नहीं है जितना सिर्फ सत्संग में आने से मिलता है। दर्शकों, अभी समाज में जिस प्रकार से बढ़ रही अश्लीलता को देखते हुए, समाज में बढ़ रहे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को देखते हुए, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम क्रिकेटर, नेता, अभिनेता किस प्रकार से जुए का, बीड़ी का, तंबाकू, सिगरेट का, सभी का खुलेआम प्रचार करते हैं। दर्शकों, ये बात हमारे जहन में आती तो सही है कि हम सोचते हैं कि ये लोग ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसका हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। जो हमारे देश के फेमस लोग हैं, जो लोग जिनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो सब इस चीज़ का प्रचार करते हैं। उसी तरफ देखने में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो शहर शहर में, हर जिले में, हर राज्य में सत्संग का आयोजन कर। दर्शकों, अभी हम मौजूद है अहमदाबाद शहर के जेतलपुर गांव में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सामाजिक हॉल है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक, उनसे चलकर जानते हैं। ये जो बुक आप देख रहे हो दर्शकों, सोशल मीडिया पे बहुत ही प्रचलित है। इसका एड आपने कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं तो देखा ही होगा। दर्शकों, ये बुक वहाँ पर 20 रुपये में नहीं, फ्री में दी जाती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इस पुस्तक को अभी 20 रुपये में दे रहे हैं। आइए चलकर जानते हैं कि वहाँ पर फ्री में मिलती है और यहाँ पर ये 20 रुपये में दे रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सैयद साहब प्रदीप। सर, देखने में आ रहा है कि आप इस पुस्तक के 20 रुपए मांग रहे हो। जैसे कि कोई भी आता है तो आप बोलते हैं 20 रुपए की बुक है, और ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके सहयोगी, आपके गुरु भाई इस बुक को फ्री में देते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये पुस्तक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो SMS करके इस पुस्तक को मंगाता है, उसी को ये फ्री में देते हैं। और यहाँ हम लोग 20 रुपए में इसलिए देते हैं कि जो चाहने वाले होंगे वही इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, नहीं तो हम किसी को भी फ्री में दे देंगे तो वो इस पुस्तक की, सदग्रंथों की कीमत नहीं समझेगा, वो भंगार में या कचड़े में डाल देगा, फिर दोबारा फिर ले लेगा, भाई फ्री में आती है तो उसकी कोई वैल्यू या कीमत नहीं समझेगा इसके लिए। दर्शकों, ये पुस्तक जो है जीवन जीवानुरस्तों और ज्ञान गंगा, इसको कहा जाता है कि ये लाइफ चेंजिंग बुक है। इसको पढ़ लेने से लोगों की लाइफ, जिंदगी बदल जाती है, वो सद्भक्ति के मार्ग पे लग जाते हैं। सर, जैसे कि आप लोगों का कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि ये बुक को पढ़ने से लोगों का, मनुष्य का एक जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो सद्भक्ति के मार्ग पे लग जाता है, ऐसा इसमें कैसा ज्ञान है? जिस प्रकार से समाज में अश्लीलता बढ़ रही है, हम जैसे ही फोन खोलते हैं उसमें देखते हैं गंदी गंदी चीजें आ जाती है। सुबह सुबह हमारा सबसे पहला काम होता है फोन चेक करना, और उसको खोलते ही हमारे हाथ में आता है तो उल्टी सीधी चीज आ जाती है। तो आप ये बुक के माध्यम से इसमें ऐसा क्या गाना है कि लोग पढ़ेंगे और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। ये पुस्तक पढ़ने से हमको इसके लिए, इसका ज्ञान हमको यूँ मिलेगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं, आज सब घर में जितने भी हैं ना, सब शिक्षित हैं, सभी को अक्षर का ज्ञान है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा में आप सभी को मतलब जानकारी है। तो हम इस पुस्तक के माध्यम से, हमारे गुरु जी ने बताया है कि जगह जगह शिक्षित जो लोग हैं ना, तो उनको ये पुस्तक दो, उसका अध्ययन होगा तो उनको सही सच्चा मार्ग मिलेगा उनको कि क्या हमको करने योग काम है और क्या न करने योग काम है। सत्संग का उद्देश्य होता है समाज में जागरूकता लाना। एक और सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स लगे हुए हैं समाज को बर्बाद करने के लिए, आप बखूबी जानते हो इस बात को। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स
समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं और समाज को एक चरित्र वाला समाज, एक पवित्र समाज बनाने में पूरी ताकत अपनी झोंक दे रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी रिपोर्टर थे अंकित भाई, उन्होंने बताया आपको के स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर सत्संग हॉल के अंदर का सुंदर नज़ारा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सत्संग के हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, दंडवत प्रणाम स्थल है। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी जो श्रद्धालु है वो आता है तो अपने आप को दंडवत करके समर्पित करता है। और बहनों के लिए अलग व्यवस्था है बैठने की, इस तरीके से भाइयों की भी अलग व्यवस्था है बैठने की, आप देख सकते हैं। कहते हैं सत्संग मोक्ष की धारा, समझे कोई राम का प्यारा। अभी आप देख सकते हैं इस सत्संग में छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही पवित्र आत्मा हैं और इतने बचपन से ही ये भक्ति में लगे हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता दासी है। अर्पिता बेटा, हमको ये बताओ कि सत्संग का, ये जो सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज का, आप फॉलोवर हो संत रामपाल जी महाराज के, ये सत्संग का उद्देश्य क्या होता है? सत्संग का उद्देश्य मानव जीवन को सफल बनाना होता है। और क्या क्या सीखा है आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से हमने सारे शास्त्रों को पहचाना है। जो भी हमको जो पहले मनमाना आचरण कराया जाता था, वो आज मालिक ने हमें पूरे शास्त्र देकर प्रूफ किया है कि इसमें ये लिखा है, तो हमें इसी तरह भक्ति करनी है। और मालिक बताते हैं कि ना ही हमें कुछ गलत काम करना है, ना ही नशा करना है, और मर्यादा में रहना है। अच्छा, कौन कौन सी शिक्षाएं देते हैं संत रामपाल जी महाराज? वो हमें सिखाते हैं कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है और ना ही करना है, और चोरी भी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि आजकल के मानव मतलब कि कितनी बुरी कृतियां करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इन कृतियों को मिटाते हैं। ना ही हमें दहेज लेना है और ना ही दहेज लेना है, और वैसे ही शादी कराते हैं। और हमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, ना ही झूठ का साथ देना है, ऐसा सब सिखाते हैं। नमस्कार दर्शकों, एस एन एच चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम आए हैं गांधीधाम शहर के अंदर और यहां पर एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहां पर उनको आने का क्या मकसद है और उनके क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? पाल जी। कहाँ से आए हो सर? भुज से। सर सर भुज से इतनी दूर आने का क्या कारण है सर? ये भक्ति का, ये सत्संग जानने के लिए। जब से हमने टीवी चैनल में देखा था ये रामपाल जी महाराज का सत्संग, तब से हमको ऐसा लगा कि ये सच्चा ज्ञान है। इसीलिए हमने दृढ़ करने के लिए गांधीधाम हो कहाँ भी जाना हो तो हम ये सत्संग सुनने तो तैयार ही, क्योंकि हमको सच्चा मार्ग मिल रहा है, सच्ची भक्ति मिल रही है, सच्चा भगवान मिल रहा है और सच्चा गुरु है। जैसा कि दर्शकों, हम अंदर की ओर प्रवेश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेवादार खड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस, ये क्या चल रहा है और किस उपलक्ष में ये कार्यक्रम रखा गया है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? संजय दास। कहाँ से हो सर? सर मैं बरसाना गांधीधाम से हूँ। सर यहाँ पर किस उपलक्ष में ये प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर क्या चल क्या रहा है सर? जी यह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। यह इस उपलक्ष्य में रखा गया है कि जो भी यहाँ के जगत भाई भगत भाई हैं, आए हमारे गुरुजी का सत्संग सुने और उनको भी भक्ति मार्ग का पता चले कि हमारे गुरुजी क्या भक्ति मार्ग बताते हैं, क्या सत्संग में बताते हैं, सही भक्ति क्या है वो बताते हैं हमारे गुरु। सर आपकी क्या सेवा है इधर? जी हमारी भगत जी, हमारी जल राम की सेवा लगी है, जो सभी भक्तों को अच्छे से जल पिलाना है, उनकी सेवा में लगे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सत्संग है जी। क्या नाम है सर? तेजस दास। कहाँ से आए हो सर? मैं माता के मठ से आया हूँ। यहाँ पे ये किस चीज़ के उपलक्ष में ये पुस्तकें रखी गई है? जी हमारे गुरुजी का सत्संग रखा हुआ है और उसमें हम पुस्तक का स्टॉल रखे हुए हैं सेवा करने के लिए। सर इन पुस्तकों में क्या जानने को मिलेगा और क्या लिखा हुआ है इन पुस्तकों के अंदर? जी हमारी ये गीता तेरा ज्ञान और पुस्तक है। ये गीता कृष्ण भगवान के बारे में लिखा हुआ है और कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि मुझसे भी ऊँचा एक भगवान है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो सारे ग्रंथों का निचोड़ गीता में दिया हुआ है। जी धन्यवाद सर।
अच्छा है। जैसा कि दर्शकों देख सकते हो कि यहाँ पर अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पर सत्संग में प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे सत्संग चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्रद्धालु जो है एकदम शांतिपूर्वक सत्संग का लाभ ले रहे हैं। नमस्ते सत्साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशी दासी है। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए। तो आपको ये सत्संग सुनना अच्छा लगता है? अभी तो खेलना कूदना चाहिए ना। बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब नहीं पीना चाहिए। और क्या क्या बताते हैं आपके गुरुजी? और कहते हैं लड़ाई झगड़े बुराई करने किसी की मारपीट ये सब नहीं करना है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपको और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गौतम शर्मा है, गांधाम से आया हूँ मैं सत्संग। तो सर आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं? सत्संग देखने के लिए आए हैं, हमारे गुरुदेव का सत्संग चालू है संत रामपाल जी महाराज का। तो आज तो संडे का दिन है तो आज यहाँ पे देखा जाए तो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, घूमना फिरना जाना चाहिए, तो आप सत्संग देखने आए हैं ऐसा की विशेषता है? क्योंकि हमारे गुरुदेव जी जो सत्संग बताते हैं उसमें मोक्ष मार्ग का सत्संग है तो हम और चीज़ें घूमने फिरने कम पसंद करते हैं और अपने गुरुदेव के सत्संग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो दूसरे भी बहुत गुरु है आज देखते हैं यहाँ पे जगत में, उनमें और आपके गुरु जी में क्या विशेषता है? औरों उनके गुरु में और हमारे गुरु में ये फर्क है कि उनमें कोई मर्यादा नहीं है, हमारे गुरुदेव मर्यादा के अधीन ही भक्ति बताते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसे हुआ? जी मेरे को एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा, मेरे भाई ने भी बताया था छत्तीसगढ़ से फ़ोन करके कि भाई एक गुरु जी हैं हरियाणा के रहने वाले हैं उसके सत्संग सुनो और एक पुस्तक दे रहा हूँ पढ़ो, उससे मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जिला लखनऊ तहसील मलिहाबाद में, जहां पर शिक्षण संस्थान भगत सिंह के नाम से बना हुआ है। यहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रोजेक्टर के माध्यम से यहां पे सत्संग का आयोजन चल रहा है। सत्संग में जानेंगे क्या कुछ खास है, आइए ले चलते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु, आइए बात करते हैं कि वो सत्संग क्यों आते हैं, क्या ऐसी खास बात है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? महेश्वर दास। सर आप कहाँ से आए? मलिहाबाद से आए। क्या काम करते हैं? खेती करता हूँ। सर आप खेती का काम करते हैं और आज रविवार है और सत्संग सुनने आए संत रामपाल जी महाराज का, सत्संग में क्या बताया जाता है आपको? सत्संग में भक्ति बताई जाती है, संत रामपाल दास की महाराज जो बताते हैं वेदों से प्रमाणित है वो बताई जाती है, बाकी गुरु लोग बताते और हैं जो वेदों से प्रमाणित नहीं है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? महेश सिंह दास है। सर आज सत्संग का आयोजन चल रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, इस सत्संग के माध्यम से आपको अभी तक क्या ज्ञान हुआ है? इस सत्संग के माध्यम से हमें पूर्ण गुरु मिले हैं संत रामपाल जी, जो विश्व में एक ही गुरु हैं और इनके द्वारा जो पुस्तक जीने की राह है, ज्ञान गंगा है और बहुत सी सारी पुस्तकें हैं, इनसे हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला है और सद्भक्ति की मिला है, मार्ग मिला है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक और श्रद्धालु, आइए जानते हैं। नमस्कार बहन जी। साहब गदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सविता दासी। आज आप लोग यहाँ पर सत्संग सुनने आए हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, सत्संग का क्या उद्देश्य है? सत्संग का मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग गलत साधनाओं में पड़े हुए हैं, कोई भक्ति का कोई आधार नहीं है संसार में, तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमें शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, जैसे ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद विभिन्न प्रकार के जो हमारे चार वेद हैं उन वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं तथा हर चीज़ का सही सही अर्थ बताते हैं, जो कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर चुके हैं उसका सही सही ज्ञान बताकर हमको सही मार्ग दिखा रहे हैं। आपकी एजुकेशन क्या है? जी मैंने BLED फाइनल ईयर की मैं छात्रा हूँ और मैं पब्लिक टीचर कह सकती हूँ। आप एक स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आज के समाज में लोगों का घूमना फिरना फैशन करना मेन चीज होता है, लेकिन आप एक सत्संग सुनना, एक महात्मा और संत के दर्शन करने के लिए आप लोग संडे को आते हो, इतना बदलाव कैसे हुआ? जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है। मुझे एक बार एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये इसमें लिखा हुआ था, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारम्बार, जैसे तरुवर का पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार।
तो उस दिन से मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि इसी जन्म में यदि हमारा कल्याण नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इस संसार में संत गुरु रामपाल जी महाराज सत्य सतगुरु हैं, इनके अनुसार कोई भी विश्व में सतगुरु नहीं है, यही सतमार्ग बता रहे हैं और सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। और आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के पुणे जिले के चरोली गांव में। दर्शकों, आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो है मुक्ताई लॉन्स का, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस सत्संग के लिए क्या खास तैयारियाँ की गई हैं और इस सत्संग में क्या व्यवस्थाएं हैं, इस सभी की जानकारी हम आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब, क्या नाम है जी आपका? सर्वजीत दास। सर्वजीत जी, आप कहाँ से हैं? पुणे, महाराष्ट्र। जी, आप यहाँ पे किस लिए आए? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए। सर्वजीत जी, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य हैं जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, और जो पाखंडवाद चल रहा है समाज में उससे मुक्त करना, और शास्त्रों द्वारा सद्भक्ति दे करके जीवों का उद्धार करना। सभी वेदों और ग्रंथों से जो प्रमाणित शास्त्र द्वारा भक्ति है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं, जिससे जीवों के ऊपर दया करते हैं और उनके कष्टों को ख़त्म करते हैं परमात्मा की दया से। और जो आज के चरण सीमा में है पाखंडवाद, इसको उससे नष्ट होता है। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? वकील दास बंजारा है। वकील जी, आप कहाँ से आए? यहीं पुणे से आए, चिकली से। जी, आप यहाँ पे किस लिए आए? सत्संग सुनने के लिए आए, जगतगुरु तदोजी संत रामपाल जी महाराज का। वकील जी, जैसा कि आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए, आमतौर पर हमने देखा है कि व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार के यथार्थ लाभ नहीं मिलते, अकाल मृत्यु होती है, दुर्घटनाएँ होती हैं, तो इन सब का क्या कारण होता है? इसका कारण यह होता है सर के जो अपने शास्त्रों में अनुसार भक्ति बताई है वो भक्ति नहीं करते हैं, शास्त्रों विरुद्ध भक्ति करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज हमारे सदगुरु सारे शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं और सब सदग्रंथों के विषय में जानकारी देते हैं, एक एक उंगली पकड़ के मतलब अपने को बताते हैं। पूर्ण संत की पहचान भी बताइए, गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में जानकारी दिए कि शास्त्र विरुद्ध त्याग कर भक्ति करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और भक्ति करो और पूर्ण मोक्ष भी दे रहे हैं और अपने शारीरिक जो भी अपने को दुख है वो भी कट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और भक्ति करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दशरथ दास है। दशरथ जी, आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश एम पी से हूँ। जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? जी, यहाँ पे हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का। दशरथ जी, आमतौर पर सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, परंतु वर्तमान में तत्वदर्शी संत कौन है या उन्हें किस संत के शरण में जाना चाहिए, यह प्रश्न काफ़ी जटिल होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि तत्वदर्शी संत कौन होता है और सच्चा सदगुरु कौन होता है, क्योंकि बहुत सारे हैं जगत में, तो सच्चा सदगुरु वो होता है जो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है, क्योंकि हमारे गीता जो गीता जी हैं उसमें भी बता रखा है, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 104 तक, और हम कबीर साहब जी की भी वाणी है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बेन विनोद, चार वेद शास्त्र कहे 18 बोध। सच्चा सदगुरु वो होता है जो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है, और वर्तमान में सच्चा गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दासी वर्षा सोलंकी है। वर्षा जी, आप कहाँ से आई हैं? लोनी कालभर पूना से आई हूँ। जी, आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए सह परिवार मेरे पति और बच्चों के साथ आई हूँ। वर्षा जी, हम इस समय 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और इस समय ईश्वर में आस्था रखने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है, तो हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आजकल के जो बच्चे हैं बुराई की तरफ, जैसे कि भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, व्यसन है, या फिर दहेज लेना या देना, या फिर लड़कियों के रेप होते हैं, तो इन सब में बहुत अग्रसर हो रहे हैं या फिर आकर्षित हो रहे हैं। और हम जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनते हैं या फिर नाम दीक्षा लेते हैं और शास्त्र अनुसार उन्होंने जो बताया वैसे भक्ति करते हैं, तो वही बच्चों के ऊपर भी वही असर होता है, वही संस्कार होते हैं, और उनकी तरफ जो आकर्षित हुए हैं वो उनसे बच जाते हैं या फिर बुराई उनसे छूट जाती है, बुराई से बहुत ही दूर रहते हैं वो।
और अगर हम दोनों ने नाम दीक्षा ली है या फिर किसी ने नाम दीक्षा लेकर वही उन्होंने जो बताया नियम अनुसार उन्होंने भक्ति की है तो वही उनके बच्चों के ऊपर भी वही संस्कार होते हैं और बुराई से वो दूर रहते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित होता है और उनके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है गंगापुर सिटी में। यहां गंगापुर सिटी में एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये अर्जुन पैलेस है और इधर अर्जुन पैलेस के जो फ्रंट गेट है उस फ्रंट गेट पर यहां पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ज्ञान गंगा जीने की राह आदि पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। इन पुस्तकों की जो कीमत है उसके लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। ज्ञानगंगा पुस्तक यहाँ 20 रुपये की है, जीने की राह पुस्तक भी 20 रुपये की है। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे हम इन पुस्तकों के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनुदास। ऐसा क्यों है इतनी मोटी ये पुस्तक हैं और इन पुस्तकों की कीमत आपने केवल 20 रुपये रखी है? इसमें भगवान का ज्ञान है और इसमें 20 रुपये की इसलिए रखी गई। इनका कहना है कि इन पुस्तकों में परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंच सके इसके लिए इन पुस्तकों का जो धर्मार्थ मूल्य है वो 20 रुपये रखा गया है। अभी हम आपको आगे सत्संग पंडाल की तरफ लेके चलेंगे और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को दिखाएंगे। ठीक अब उसने जाकर के चंद निशान को कहा उनके नाना जी को, सिंगार नाम था उसका, सिंगार सिंगार जी हमारे पास एक महात्मा आते हैं, उनको पहुंचेंगे, हम कहते मुझे दिखा दो ठीक करते हैं। पांच साल और उन्नी के अंदर उसके साथ मेरे पास पूरा जंगल को जाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंछी उसने बाल वास ने पूछा बेटा कौन था, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया, तो मेरे पास ही कह रहे उसने बर्बाद नहीं मुझे आराम कर दिया। अमर पंख अमरागी दास हम दर्शकों अभी यहाँ जो सत्संग का आयोजन किया जा रहा है उस सत्संग में यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग सत्संग श्रवण करने के लिए आए हैं। उनमें से एक हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे आज इस सत्संग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लालसोट डिडवाना। तो आप लालसोट से आज यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो ऐसा क्या है इस सत्संग में जो आप इतनी दूर से आज यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं? भगत जी ये मतलब शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है परमात्मा का, जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी सारे शास्त्रों को खोल खोल के सारे ज्ञान को अच्छे से समझाते हैं हमें। हम जो नकली भक्ति करते आए हैं तो हमें असली भक्ति का ज्ञान यहीं मिलता है। अभी हमारे साथ यहाँ एक और श्रद्धालु जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं वो अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे इस सत्संग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मणचंद दास। सर आज यहाँ जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? इस सत्संग का आयोजित करने का ये उद्देश्य है कि आज मानव समाज में बहुत बुराइयां व्याप्त हो रही हैं और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही पिछड़ गया है, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान मतलब अपने इस भक्ति मार्ग को लोगों में व्याप्त करना चाहते हैं और सबका कल्याण करना चाहते हैं। सर सत्संग का आयोजन आज किया गया है यहाँ पर,
सत्संग में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बुराई हैं, कौन कौन सी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं जिनको आप दूर करना चाहते हैं? जैसे नशे है, किसी भी प्रकार का नशा है, और दहेज प्रथा है, भ्रष्टाचार है, और भी कई बुराइयां हैं जो संत रामपाल जी महाराज दूर करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गुर्जर। सर कहाँ से आए हैं आप? हम करौली से। आप करौली से आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम उपदेश लिया हुआ है? नहीं सर, अभी लाऊंगा लेकिन नहीं लिया है। तो आज आप पहली बार आए हो यहाँ पर? पहली बार आया हूँ। तो आपने यहाँ सत्संग को भी देखा है, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है, क्या कहना चाहोगे यहाँ सत्संग के बारे में? हाँ, यह बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बढ़िया है जो व्यवस्था है, और अच्छा लगा मुझे यहाँ के। मैं भी नाम लूँगा, अभी मम्मी है, मम्मी बहनों ने नाम ले रखा है यहाँ पे। यहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पर सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ यहाँ पर सेवादार खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पर किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा सोनू दास नाम है सर। सर यहाँ पर आप किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं? सर यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन चल रहा है, और बाहर से जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं सत्संग सुनने के लिए, सर उन्हें हम व्यवस्थित तरीके से अपनी गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए बताते हैं, और अंदर सत्संग में बैठने के लिए उनको बताते हैं सर। मतलब कि यहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको आप मार्गदर्शन कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। तो सर कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आए हुए हैं? सर यहाँ पर सावनेर से, मौदा से, और अपने कामठी से, और अपना रामटेक से, सर काफ़ी दूर दूर से मतलब यहाँ पर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आते हैं सर। सर आपने जिन जगहों का नाम अभी लिया वो यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग यहाँ से 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर है, तो सर इतनी दूर से लोग अपने काम धंधे छोड़कर सत्संग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या इतना ज़रूरी हो गया है सत्संग में आना? जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि क्या है कि मनुष्य जन्म का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है कि सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करना, जो कि आज केवल सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सद्भक्ति, जो भी हमारे शास्त्रों में वर्णित जो शास्त्र विधि जो भक्ति है, जो हमारे गीता है, वेद है, पुराण है, इनमें जो भी वर्णित जो शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अब हम आपको अंदर चल के सत्संग के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर पूरी व्यवस्था से आपको परिचित कराएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर ठंडे पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, और जो श्रद्धालु हैं उनके जो चप्पल और जूते व्यवस्थित तरीके से रखा जाए इसके लिए भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। और भी काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनमें से एक शख्स हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्कार सर। सतसाहेब जी। सर क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? राकेश परमार मेरा नाम है, और मैं डायलिसिस टेक्नीशियन करके आशा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो हमें एक सवाल का जवाब बताइए सर, कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है, तो ये कैसे संभव हो पाता है? जी हाँ जी, आपने कहा भी नहीं, सही सुना है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद काफ़ी सारे जो ऐसे हमारे निकाह जी, आपने बिल्कुल निका सही से निका सुना है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में जो भी आध्यात्मिक और काफ़ी जितने भी रोग हैं और जितने भी निका दुख है उनके, वो सब नाश हो जाते हैं जो नाम दीक्षा लेने के बाद। एक और संत रामपाल जी महाराज जी के महिला समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्ते मैडम। साहब जी। मैडम क्या नाम है आपका? महेश्वरी दासी। महेश्वरी दासी जी, आप यहाँ किस लिए आए थे? जी आज हम यहाँ पे सत्संग सुनने आए। आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़ी हैं आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 2017 से जुड़ी हूँ। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो उनसे जुड़ने के बाद उनको ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो हमें अनुपासना नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें नशीली चीज़ें ना हम छूते हैं ना हम किसी को ला कर देते हैं। तीसरा है कि हम दहेज मुक्त रमेणी, जो दहेज लेना ना देना, इस पर गुरु जी ने कहा है। और छुआछूत नहीं करना है, हमें बताया है जो सद्भक्ति दी है उस पर ही हमें अपने इष्ट देव की पूजा करनी है। एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्ते मैडम। सत्साई भगत जी। क्या नाम है आपका? रत्नमाला दासी नाम है भगत जी मेरा। यहाँ पर आप आज किस लिए आई थी? भगत जी यहाँ मैं संत रामपाल जी का ज्ञान सुनने आई हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार भक्ति करती हूँ। तो हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्म गुरु, उनके और इनके ज्ञान में क्या फर्क है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुसार ज्ञान बताते हैं जिससे बहुत से लाभ होते हैं, और अन्य धर्म गुरु मनमानी भक्ति बताते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता। भगत जी, मानव को यदि पूर्ण संत का आध्यात्मिक सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य को जानकर तथा परमात्मा की भक्ति सच्ची लगन के साथ करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और यदि सत्संग न मिले तो उसका मनुष्य जन्म ही व्यर्थ हो जाता है। धन्यवाद।